जो दुकान जितनी पुरानी होती है उस पर लोग उतना ही ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन कभी कभी यह भरोसा जानलेवा भी साबित हो सकता है। लखनऊ में बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जहां पर 118 साल पुरानी दुकान में इतना पुराना एक्सपायर्ड घी बेचा जा रहा था जो आपको बीमार, बहुत बीमार कर सकता है। दीपावली से पहले यूपी में खाद्य विभाग की टीम का एक्शन जारी है। लखनऊ की एक दुकान में छापेमारी कर एक्सपायरी डेट वाला घी जब्त किया गया। मशहूर श्यामलाल चुन्नीलाल रोड वाली शॉप करीब 118 साल पुरानी है, जिस पर एफएसडीए की टीम ने एक्शन लिया। दुकान के गोदाम में टीम ने पुलिस के साथ छापा मारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद एफएसडीए की जो टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। त्योहारों का मौका है, दिवाली से ठीक पहले जो एफएसडीए की टीम है वो लखनऊ में जो बाजार हैं वहां पर निकल रही है और सैंपलिंग कर रही है, और कहीं से भी कोई शिकायत आ रही है तो उस शिकायत के आधार पर एफएसडीए की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। हम इस समय पुराने लखनऊ के चौक इलाके में मौजूद है, और चौक इलाके में आप देखिए कि ये बहुत पुरानी 118 साल पुरानी देसी घी की दुकान है, और इस दुकान में फिलहाल जो सैंपलिंग हो रही है वो एफएसडीए की टीम फिलहाल कर रही है, क्योंकि शिकायत ये मिली थी एफएसडीए की टीम को कि यहां पर कुछ ऐसा घी मौजूद है जो उनका गोदाम है वहां पर, जिसके बाद यहां पर पूरे जो घी है उसकी यहां पर सैंपलिंग की जा रही है, सारे घी की जो गुणवत्ता है उसकी परख की जा रही है, पूरे जो माल को बेचा जाता है वहां पर सैंपलिंग की जा रही है, और एक एक रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन ली जा रही है एफएसडीए की टीम के जरिए, और जो एक्सपर्ट्स हैं बाकायदा लिखा पढ़ी भी कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब बैठक की थी तो ये निर्देश दिए थे एफएसडीए और खाद्य विभाग को कि लोगों को अच्छा खाना मिले, अच्छा पीना मिले, और इसको लेकर के एफएसडीए की टीम पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार सैंपलिंग कर रही है। और आप देखिए कि जो घी के बड़े बड़े कनस्तर हैं, घी के बड़े बड़े डिब्बे हैं, फिलहाल इन सारी चीजों की जो सैंपलिंग है वो यहां पर की जा रही है ताकि गुणवत्ता को न सिर्फ पहचाना जा सके, क्लियर किया जा सके। और एफएसडीए के जो अधिकारी हैं वो भी यहां पर सुरक्षा अधिकारी जी बैठे हुए हैं। सर, क्या जानकारी मिली यहां पर? नहीं, हम लोग जो है त्योहार के दृष्टिगत हमारी 6 टीमें हैं जो जनपद लखनऊ में इंस्पेक्शन और सैंपलिंग की कार्रवाई कर रही हैं, तो उसी के तहत एक ये टीम है जो इस प्रतिष्ठान पे निरीक्षण और कार्रवाई और सैंपलिंग के काम कर रही है। प्रथम दृष्टया कोई सर समस्या नजर आई है क्या? प्रथम दृष्टया कुछ एक्सपायर्ड घी मिले हैं आपके पास, तो उसको हम लोग देख रहे हैं, बाकी इनके दो ब्रांड हैं उनकी सैंपलिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलेगा, उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है कि लोगों को अच्छा खाना मिले, ब्रांडेड खाना मिले। जी जी बिल्कुल, हमारा विभाग इसके लिए काम कर रहा है कि लोगों को त्योहार पर किसी तरह के मिलावट वाली असुविधा का सामना न करना पड़े। और जो लोग मान लीजिए कुछ ऐसा चीज मिल भी रहा है तो आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर कोई ऐसी चीज मिल रही है जहाँ पे ये लग रहा है कि ये खाने योग्य नहीं है, मानव उपभोग के लिए उचित नहीं है, तो उसको हम लोग नष्ट भी करवा दे रहे हैं। 2 पीपे मिले हैं एक्सपायरी डेट के या ज्यादा? 2 पीपे मिले हैं।